और मुझे इस बात का घमंड नहीं है कि मैं ऐसे घर से हूँ, मेरे पिताजी है, मेरी बहन इतनी सफल है। मुझे ये पता है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी बार बार नहीं आने वाले। एक ही शत्रुघ्न सिन्हा जी बिहार तक आज तक एक ही शत्रुघ्न सिन्हा जी आए। इनफैक्ट वो मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, वो तो और भी मतलब कंपैरिजन फैक्टर बन जाता है। मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब कोई अमीर एक्टर बोलता है कि मैं स्ट्रगलर था। डोंट से योर स्ट्रगलर, वाई यूर किकिंग समवन ऑन द स्टमक। देखिए पहले क्या होता, नेचुरल ब्यूटीज होती थी। उस टाइम पे आप देखेंगे कि मेकअप भी आजकल के जैसे ग्लॉसी मेकअप, ये सब मेकअप कुछ नहीं, मोस्ट सिंपल मेकअप। बट उनका फोटो आज भी हम देखेंगे ना तो इतनी खूबसूरत लगते हैं, इतनी खूबसूरत लगता है कि आप सोचते कि यू नो कि दीज वर लाइक रियल रियल ब्यूटीज। आई वोंट मेंशन द पर्सन, बट लाइक आई सेड देयर वाज अ प्रोड्यूसर, दे हैड टोल्ड मी दैट प्लीज अनाउंस द फिल्म, वी आर वर्किंग टुगेदर, यू नो डेफिनेटली यू आर पार्ट ऑफ आवर बैनर नाउ। And I announced the film, and then, yeah, after that, in fact, the producer did it to me twice. I think a first flop is very painful. Your first flop aapka hota na, which was Sadhya. My role model is my father. He has always been my role model. Other than him, I admire Amit ji, I admire Mr. Akshay Kumar. Jo bhi self-made actor hai na, and such mein self-made, wo nahi ki namcheen self-made, but whoever has really been self-made, I admire them. This is Jaya and you're watching me on Filmy News. So today we have Love Sana with us. Hi. Hi. How's it doing? It's going very well actually. Matlab excitement to hai. Uh-huh. And even though my role is a very short, sweet guest appearance in the film, but I would say ki main bahut khush hu. अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, अच्छी फिल्म में काम करने का मौका मिला। हमने सुना है कि गदर 2 के बाद ऐसे आप अपने पापा के साथ शत्रुघ्न सर के साथ आप आ रहे हैं वेब सीरीज लेके। जी जी, क्या है उसके बारे में अगर हमें आप थोड़ा बता सकें। वो सीरीज का नाम गैंगस्टर है और गैंगस्टर में मेरी कहानी की शुरुआत होती है। हाँ। And then season 2 से वो कहानी और आगे बढ़ती है। So it is work has already been done together. And मेरा ये सपना था, जब से मैं इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले ही मेरा एक सपना था कि मुझे अपने पिताजी के साथ काम करना है, कुछ भी हो जाए। एक सपना तो पहले ही पूरा हो गया जब चुनाव के वक्त उन्होंने मेरे लिए कैंपेनिंग की और मैंने उनके लिए कैंपेनिंग की, तो हम साथ में थे दोनों चुनाव में, उनके चुनाव में मेरे चुनाव में, तो वो तो पूरा हो गया था बहुत ही पहले। पर ये एक सपना था कि देखिए मेरी बहन एक एक्ट्रेस है तो उनके साथ भी काम करना चाहूँगा, पर वो अलग एक माहौल ही अलग होगा, मतलब एक रोल ही अलग होगा। यहाँ पे मुझे अपने पिताजी का काम करना था और मुझे अपने भाई के साथ काम करना है, कुछ भी हो जाए। हाँ जी, ये एक और एक कह सकते एक और लिस्ट पे एक और चीज़ बची हुई है। बची हो जाए। वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं, अभी आपकी वेब सीरीज के बारे में बात कर रहे थे, तो शत्रुघ्न सिन्हा सर जी आज भी आपको कुछ टिप्स देते हैं एक्टिंग को लेकर? देना भी चाहिए, देना भी चाहिए। मेरी उम्र जो भी हो जाए उनका मेरे से हमेशा ज़्यादा अनुभव रहेगा, तो देना भी चाहिए। और अगर और मैं इस बात का फ़ायदा ना उठाऊँ तो कौन उठाएगा? मतलब हर किसी को तो ये मौका मिलता नहीं है कि इतने लेजेंडरी कलाकार उनको सिखा पाए या बता पाए। और जब अच्छा भी होता है वो मतलब प्रेज भी करते हैं, और जब उनको लगता है कोई चीज़ और बेहतर करनी तो वो भी बताते हैं। और ऐसे ही होना चाहिए, अगर आपकी पूरे दिन वाह वाही होती रहेगी तो आप कहीं इम्प्रूव नहीं करने वाले लाइफ में। बिल्कुल, क्योंकि स्टार किड्स के बारे में जहाँ तक मतलब होता है ना कि प्रेशर बहुत होता है कि इनको प्रूव करना है कैसे भी हो, क्योंकि ऑलरेडी एक लेजेंडरी एक्टर के आप बेटे हो तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, ये एक प्रेशर होता है कि नहीं होता है? प्रेशर होता है, मोटिवेशन होता है। तो हाउ डू यू डील विद दैट? मैंने प्रेशर शब्द को तो मैं जोड़ना ही नहीं चाहूँगा अपने आप से, मैं कहूँगा ये मोटिवेशन होता है। प्रेशर क्या है कि मुझे ये पता है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी बार बार नहीं आने वाले। एक ही शत्रुघ्न सिन्हा जी बिहार तक आज तक एक ही शत्रुघ्न सिन्हा जी आए। बिल्कुल, अच्छे कलाकार और लेजेंडरी कलाकार है, मनोज वाजपेयी जी भी आए हैं, बहुत अच्छे कलाकार है और लोग भी है, पर पूरे बिहार से आज तक एक ही कलाकार आए हैं जो अच्छे एक्टर भी बने और बहुत बड़े स्टार भी बने। बिल्कुल, तो ये बार बार नहीं होता है, तो ये भी आपको समझना चाहिए। अगर आप उसी वहम में जीते जाएंगे कि मैं अपने पिताजी से ही और बड़ा बनने वाला, तो फिर सपने देखते जाए, सपने जान देखने में जाता क्या। मेरे भी कोई करियर को कोई देखेगा तो सोचेगा अरे यार ये आदमी अब तक कैसे मतलब कि ऐसे है, मतलब कि। और मुझे इस बात का घमंड नहीं है कि मैं ऐसे घर से हूँ, मेरे पिताजी है, मेरी बहन इतनी सफल है। इनफैक्ट वो मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो तो और भी मतलब कंपैरिजन फैक्टर बन जाता है। बिल्कुल, बट
इट मोटिवेट्स मी। यस, हमने कई बार सुना, काफी वोकल भी रहे इस चीज को लेकर कि हाँ मुझे फायदा हुआ है, मतलब मुझे उतना स्ट्रगल करना नहीं पड़ा, बट हाँ आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग फॉर द रोल्स, व्हाट रोल्स आई विल चूज। यू हैव बीन ऑलवेज वोकल फॉर दैट, बट आई वुडंट से स्ट्रगल, आई वुड से आई एम हंटिंग, आई वोंट से स्ट्रगल। स्ट्रगल इज व्हाट यू नो, द स्ट्रगल वुड बी लाइक आई वुड maybe after this I would be thinking ki how do I go and you know take care of financial responsibility. Yes, that also, you know, so what sometimes what happens is people think everything is easy, everything is easy compared to someone else, but maybe it is not easy for me either. Yes, not compared to them, they have much more difficulties to face. I mean, bahut respect karta hu, mereko bahut gussa aata hai jab koi ameer actor bolta hai ki main struggler tha. I mean, don't say you're a struggler. Yes. Why? You're kicking someone on the stomach. ये सही नहीं होता था, मतलब कि at least मुझे लगता है कि you know कि say that yes, my journey is difficult in terms of finding work, but financial difficulties का सामना हर actor को नहीं करना पड़ता, unless you are someone who likes to just live life on another level. हाँ, at least star kids have that privilege, they have some contacts. We have contacts. And, yeah. And I'll say one other thing, we have contacts, but one also needs to realize that if you don't become successful, then you cannot carry everything that your father achieved. At some point, you have to make yourself successful also to take things to another level. Yes. But contacts, तो contacts है, but contacts भी हर कोई आप हाँ हर contact आपको काम नहीं देने वाला ना, सीधा आपके ऊपर 50 करोड़ क्यों लगाएगा कोई ऐसे? You have to also think about the economics. So I'm just going to our second segment, that is they said it all. So basically, it's kind of rapid. I got it. पूछे handle कर लो. One film of Shatrughan Sinha you love the most? Two, Vishwanath and Khudkarz, both. Okay. One film of Sonakshi Sinha you love the most? Akira, also Dabang 1. Okay. ये दो फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं। And one of your favorite film you love the most? I haven't done a favorite film to do. But yet. I can go now. No, I would say then so I would say Paltan and Gadar 2, both of these. Paltan because of JP sir and Gadar 2 because of Anil sir. Anil sir, yeah. One rejection that hit you very hard? I won't mention the person, but like I said, there was a producer. They had told me that please announce the film. We're working together. You know, definitely you're part of our banner now. Mm-hmm. And I announced the film, and then after that, in fact, the producer did to me twice. They called me back for a meeting for a web series, uh-huh. And wo meeting ke baad bhi haan, in 25 days let my film release. We'll have a meeting with the whole team. Okay. Baad aage badh rahi hai. Fir wo din aaj ka din same. So, what inspired you to pursue a career on acting? The fact that I knew that again, I'm a creative person by nature. मैं हमेशा मतलब कि creative ही रहा हूँ बचपन से ही, और फिल्मों का जो जुनून है मतलब आज भी है, आज भी मैं रात को almost अगर मैं घर पर हूँ, मैं घर पर रहना पसंद करता हूँ रात को, I watch almost one film every single night. And again, that does not mean you should become an actor because you watch a film every single night, but मुझे पता है अंदर से आपको अपने आप को पहचानना चाहिए कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स. आई डोंट से आई कैन डांस लाइक मिस्टर ऋतिक रोशन, आई नेवर बी एबल टू डांस लाइक इन माय लाइफ एवर एवर नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स, बट आई नो दैट आई कैन परफॉर्म, आई नो आई कैन एक्ट, आई एम जस्ट वेटिंग स्टिल फॉर द राइट ऑपर्चुनिटी. हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ चैलेंजिंग रोल? सी अभी तक तो आई वुड से पल्टन वाज अ लिटिल चैलेंजिंग, बिकॉज उसमें क्या है ना कि पल्टन में it is not an imaginary character. First of all, I was playing second lieutenant Atar Singh. No, he's a real human living. Atar Singh ji abhi bhi hai. So, unka role nibha raha tha main. So, aur ek dignity hoti hai. Soldier ki jo dignity hoti hai, wo aapko hamesha maintain karna chahiye. So, Paltan was difficult. We had to make sure the salute was correct. I only do it now because I don't know if I'll do it right. Right. Any memorable moments from your acting journey till date? I think the first time you sign your first film, mm-hmm. वो तो मुझे अभी भी याद है, and I had actually recorded it. I still have the recording at home. And उसके अलावा भी I think a first flop is very painful. Your first flop आपका होता है ना, which was Sadhya. Yeah. Very painful. Like it actually affects you for some time. Who are your role models or favorite actors in this industry? जवाब इसका आपको देना है, role models. सही नहीं, but अगर आप खुद से दे दोगे तो मजा है. हाँ ठीक है. Role model is my father. He has always been my role model. Other than him, I admire Amit ji, I admire Mr. Akshay Kumar. जो भी सेल्फ मेड एक्टर है ना, एंड सच में सेल्फ मेड, वो नहीं कि नामचीन सेल्फ मेड की अच्छा लगता है कहना कि आई वॉज ऑल्सो यू नो स्ट्रगलर, बट हुएवर इज रियली बीन सेल्फ मेड आई एडमायर देम, बिकॉज ये इंडस्ट्री में टिकना ना आसान नहीं है, और इंडस्ट्री में जगह बनाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, सो आई रियली एडमायर ऑल ऑफ देम.
So what are some of the biggest challenges you have faced as an actor? I think just trying to be a part of correct films. I mean, आज तक कि मैं कभी कभी खुद सोचता कि भाई कुछ लोग ऐसे भी एक्टर हैं मेरे पीढ़ी के जो जो मतलब छः छः साल तक एक हिट पिक्चर नहीं देते और तब भी काम मिल रहा है. एंड देन यू हेयर स्टेटमेंट ऑफ सम एक्टर्स सेइंग कि डजंट मैटर इफ माई फिल्म इज अ हिट और फ्लॉप. यंग एक्टर्स, आई हैव डन माई जॉब. आई सेड यस, यू हैव डन योर जॉब, आई अप्रिशिएट यू हैव डन योर जॉब. एट द सेम टाइम द इकोनॉमिक्स एट प्ले ऑल्सो, यू नो, इफ यू ओनली कंसर्न अबाउट डूइंग योर जॉब करेक्टली, डोंट चार्ज अ हायर फी ऑल्सो ना. इफ योर फिल्म इज नॉट वर्किंग, डोंट कोट अ हाई फी बिकॉज ऑडियंस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू योर फिल्म, नॉट नेसेसरली टू यू एज एन एक्टर. सो I just feel that is something that, yes, you know, please allow me also to at least get a correct opportunity to prove myself. Can you share any valuable lessons you have learned throughout your acting career from Shatrughan sir? Confidence, वो तो सबसे बड़ी चीज़ है, उनसे मैंने सीखा. और फिर देखिए हमारे परिवार की एक कह सकते हैं कुछ लोग कह गए कि खामी है, हम लोग सबके हम तो मानते हैं खूबी है कि हम लोग सच बात कहते हैं और सही बात कहते हैं. हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे, दे मे नॉट अप्रिशिएट इट ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम हम लोग इसलिए नहीं कह रहे कि हम लोग का फ़ायदा हो रहा है, उससे कभी कभी हम लोग का नुकसान भी हो सकता है. बट वी विल नॉट चेंज एंड आई दीज आर वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम माई फादर. एंड अगेन नेवर गिव अप. हार तब होती है जब आप हार मानते हैं. तब तक आप नहीं हारोगे जब तक आप मतलब ये नहीं मन में डाल दो कि मैं ख़त्म हो गया, मैं मतलब हार मान ली. वन ऑफ द डायरेक्टर्स यू वॉन्ट टू वर्क विद? सो मैनी एक्चुअली, सो मैनी. And so many new ones also coming out. Yeah. I think I would say someone like Mr. Kabir Khan is a very good director. Right. His sensibility is very good. Umesh Shukla, oh my God, he's a director. Hai. Mm-hmm. In fact, let's see. I'm not going to say more right now. Yeah. How do you keep yourself motivated and passionate? See, passionate, I think, खाली मत बैठिए. जब खाली बैठेगा तब मन में अजीब अजीब किस्म के thoughts आने लगते हैं. So I think again, because look, we practical also. अभी I'm not saying that in this day and age I'm going to become the next Mr. Salman Khan. I don't think that. But I definitely know I can become the next Love Sinha. And that is basically like do good work, get good roles and prove yourself and you become something. Yeah. But motivation is again your mind. Agar aap man mein hi aap matlab apne aap ko kamzor bana denge to aap kuch nahi kar paoge. You will sit at home, you will be depressed, you will stop meeting people. Jaise main janta hu kuch actors ko industry se na to milna chahte kisi se, bolte ki I don't feel comfortable. But I said कि अगर आप comfortable नहीं हैं तो आपको काम कैसे मिलेगा? घर पे तो कोई नहीं आने वाला आपको साइन करने. So you have to think realistically, think practically. But don't think realistically, think practically. अपने आपको कभी छोटा मत समझिए या अपने आपको किसी से कम मत समझिए. If I ask you one of your favorite actress in this industry. Current generation, I can name earlier generation like both you can. I think one दोनों में बता. नहीं नहीं, श्रीदेवी जी, माधुरी जी कमाल के थे. उनसे पहले भी हेमा आंटी. I mean, you know, again, I don't want to bring up my tweet again, but I had mentioned the word plastic. I won't comment more on that, but I would say कि पहले क्या होता natural beauties होती थी. उस time पे आप देखेंगे कि makeup भी आजकल के जैसे glossy makeup ये सब makeup कुछ नहीं, most simple makeup. But उनका photo आज भी हम देखेंगे तो इतनी खूबसूरत लगते हैं, इतनी खूबसूरत लगते हैं कि आप सोचते कि you know कि these were like real beauties. So I think वही है कि मतलब I prefer real. That's just what I like. Just one personal question. It's totally you if you answer or not. I know where this is going. No, it's about your sister Sonakshi. Is she really marrying this year? I can't comment on this because honestly speaking, I wouldn't even want to comment on it because पहले तो I don't meddle in her personal matters and I don't try to go into an area where I would not want to go into also. So I can't really comment on this. And again like. See, I will only speak for my family. We as a family are, when I say family, I mean what she is doing is her own independent choices. What we do as a family is our own independent choice. What all are your upcoming projects and where we can see? Just Gadar 2 for now and Gangster. And then other than that, like I said, I'll let you all know. Thank you so much for joining us. Thank you. Namaskar, I am Love Sinha and today you are watching Filmi News.